क्या आपको लगता है कि आपके एक वोट का क्या ताकत है, आपने कभी सोचा है? मैं कोटा के लोगों से पूछता हूं, आपके एक वोट की ताकत क्या है आपको पता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे एक वोट से फलाना व्यक्ति एमएलए बन जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे एक वोट से फलाना व्यक्ति एमपी बन जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे एक वोट से कोई पार्टी जीत जाएगी। कभी हम सोचते हैं कि हमारे एक वोट से कोई सरकार बन जाएगी, कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, जरा सोचने का तरीका बदलिए। आपके एक वोट की ताकत क्या है जिसका शायद आपको अंदाज नहीं होगा? आपके एक वोट ने, आपके एक वोट ने हिंदुस्तान में हर वर्ष 90,000 करोड़ रुपए की जो चोरी होती थी, उस चोरी को रोकने का काम किया है। अब आप पूछोगे, मैंने तो वोट दिया, मैं तो घर चला आया, मुझे तो मालूम नहीं 90,000 करोड़ कैसा बचा। मैं बताता हूं, आपने एक वोट दिया, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई, आपने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आपने ताली बजाई, खुश हो गए। लेकिन मोदी ने क्या किया? जांच पड़ताल शुरू की, भूतिया लोग कितने हैं, जो बेटी पैदा नहीं हुई आप हैरान हो जाओगे। जब मैडम रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही थी दिल्ली में, मैडम की सरकार थी, जो बेटी पैदा नहीं हुई सरकारी कागजों में, वो बेटी विधवा हो जाती थी और बाद में सरकारी खजाने से हर महीना उसको पेंशन जाता था। ये कौन पैसे कमाते थे भाइयों बहनों? जो परिवार नहीं है, कहीं अस्तित्व नहीं, उसके नाम से राशन कार्ड निकलता था और उसके राशन कार्ड का अनाज चोरी हो जाता था। जहां घर नहीं, घर मालिक नहीं, रहने वाला नहीं, उसके नाम से गैस की सब्सिडी निकलती थी। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, स्कूल में दाखिला हो जाता था, सब स्कॉलरशिप हो जाती थी। आप हैरान होंगे, 6 करोड़ लोग देश में, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ऐसे जिनका जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोगों के नाम पर सरकारी खजाने से पैसे निकलते थे 90,000 करोड़ रुपया। आपके एक वोट की ताकत है, आपके आशीर्वाद बनकर के आया हुआ आपका वोट, मोदी ने ताकत दिखाई, 90,000 करोड़ रुपया रोक लिया। भाई, अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों की जेब में ये 90,000 करोड़ रुपया जाता था, ये जो कटकी कंपनी की जाल थी, ये चोर लुटेरों की सारी फौज थी, एक ही ताकत थे, सबकी छुट्टी कर दी। अब ये लोग खाली बैठे हैं तो क्या करेंगे? ये जिनकी कटकी कंपनी बंद हो गई वो क्या करेंगे? वो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? मोदी के खिलाफ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तब मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा?
आपका एक वोट मोदी की रक्षा करेगा, आपके वोट में वो ताकत है, चोर लुटेरों के खिलाफ लड़ने की ताकत मुझे चाहिए, आपके वोट से चाहिए। और इसलिए मैं आज कोटा की धरती से पूरे राजस्थान के पास आपके एक काम की ताकत, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके एक वोट की ताकत देखिए, फर्क कैसा आता है। ये आपका वोट सिर्फ किसी को राजगद्दी नहीं देता है, आपका वोट देश बदलता है, आपका वोट आपके सपनों को साकार करता है, आपका वोट आपके सपनों का भविष्य बनाता है। ये वोट सामान्य नहीं होता है। आप देखिए, 2014 तक मैडम की सरकार थी, आज आप में से कोई मोबाइल फोन के बिना एक घंटा भी रह सकता है क्या? इंटरनेट के बिना रह सकते हो क्या? दिन में 50 बार व्हाट्सएप देखे बिना रह सकते हो क्या? अगर आपको ये जरूरत है तो गांव वालों को जरूरत है कि नहीं है? उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज हिंदुस्तान में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब दिल्ली में मैडम की सरकार थी, चार साल 2010 से 2014, ये बातें मैं बता रहा हूं, याद रखोगे आप? कोटा में तो शिक्षा का धाम है तो जरूर याद रखोगे, रखोगे याद? 2010 से 2014, चार साल में ये मैडम की रिमोट सरकार ने हिंदुस्तान में 59 गांव, 59 विलेजेज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का काम किया था। चार साल में कितने गांव? लो, परीक्षा में नापास हो जाएंगे कोटा वाले। चार साल में कितने गांव? 59 गांव। चार साल में कितने गांव? चार साल में कितने गांव? और मोदी ने चार साल में क्या किया? 2014 से 2018 उन्होंने चार साल में 59 गांव में काम किया। मोदी ने चार साल में 1,00,000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा दी। ये किसने किया? ये किसने किया? ये किसने किया? जी नहीं, मोदी जी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। ये मोदी जी ने नहीं किया है, आपके वोट की ताकत है कि चार साल में 60 गांव नहीं होते थे, चार साल में 1,00,000 गांव हो गए। अगर वो ही रहते, आपका वोट गलती से वहीं चला गया होता, तो 1,00,000 होने में कितने साल लगते भाइयों? 200 साल तक मेल बैठता क्या? 200 साल तक मेल बैठता क्या? क्या देश 200 साल इंतजार करता? आपके वोट की ताकत यह है, आपने देश को 200 साल आगे ले जाने का काम किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप अपने वोट की ताकत पहचानो, आप अपने वोट की ताकत पहचानो। जब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आज जीवन का एक बहुत बड़ा महत्व बन गया है, जैसे गांव को सड़क चाहिए, जैसे घर में पानी का कनेक्शन चाहिए, जैसे घर में बिजली चाहिए, वैसे ही गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ये समय की मांग बन गया है। चार साल में मैडम की सरकार ने करीब करीब 350 किलोमीटर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल फाइबर डाला था। कितना?
फिर आप भूल जाते हो। कितना? 300 साढ़े 300 किलोमीटर, 4 साल में 300 साढ़े 300 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर, और मोदी ने 4 साल में 2.5 से 3 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर डाल दिया। अब आपको 250 किलोमीटर वाली सरकार चाहिए कि 2.5 लाख किलोमीटर वाली सरकार चाहिए? आपके वोट की ताकत देखिए, आपने देश को कितनी गति दी है ये देखिए।